हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ओ माई, मेरी शक्ल देख, उसको मत खराब करो यार। अरे उठाओ, कंधे हाथ लग जाएंगे उसमें। सो अभी बजे हैं मॉर्निंग के 10:15 और आज आई नहीं माई है घर पे। हाँ तो कल तुम्हारा पेपर था आज आयु का, बस आयु का एक पेपर और रह गया है। फिर आयु ने उस दिन की पूरे दिन की प्लानिंग बना रखी कि वो पूरे दिन उस दिन टीवी देखेगा आने के बाद स्कूल के बाद। दुख बड़ों के साथ ही होता है, छोटों के साथ। तो तुम्हारी क्लासेस भी बढ़ी है। माही के टाइम को खत्म है, तो माही कह रही मिड टर्म में सबसे पहले मेरे खत्म हुए थे। आयु से पहले तुम्हारे थोड़ी है। क्यों मिड टर्म में मेरे पहले खत्म हुए थे, आयु के उसके अगले दिन खत्म हुए थे। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर तुम्हारे और लेट खत्म होंगे जब तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम रहेंगे। सो लंच बन गया है और आज मैंने बनाई बहुत बढ़िया सी ये सब्जी, जिसके शॉर्ट्स मैं जब तक वो ब्लॉग जाएगा तब तक तो अपलोड ही हो जाएगा, उससे पहले वो मैं आज ही डाल दूंगी। ये ब्लॉग तो 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद आई डोंट नो कब जाएगा, जब एडिट होगा तब उसके बाद। एंड देन आज वेदर इतना अच्छा था, इतनी अच्छी प्लानिंग मैंने और माही ने बनाई थी, बट धूप निकल गई। बट अभी भी करेंगे, बट फिर भी मैं बनाऊंगी। आज मैंने सोचा कि मैं एक साड़ी पे मतलब रील बनाऊं, बहुत दिन से सोच रही थी। तो आज थोड़ा सा बर्डन हल्का है क्योंकि आयु की कल छुट्टी है, परसों लास्ट पेपर है हिंदी का पेपर, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, बस थोड़ा बहुत रिवाइज करना है। सो मैं यही सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊँ, क्योंकि माही भी है तो थोड़ी वो फोटो वोटो अच्छी लगती है, क्योंकि अपने आप अपनी अच्छी नहीं आती है, फिर वो सेल्फी आती है अपने से। हाँ जी जरूर था बोलना आपको, अभी आ जाएगा ब्लॉग में जो बोला आपने, कि कोई गारंटी नहीं है। मैच रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, मेरा ऑल काम डन हो चुका है। मेरे पैर दिख रहे हैं, मेरे जॉर्ट्स पहन रखे, ऐसा कुछ नहीं है। वही ने कैमरा पकड़ रखा है, सो मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लंच बना है। तुम ना कैमरा ऐसे वाइब्रेट जैसे भूकंप आ रहा है। अरे आप ये बोला, हाँ क्या बोल रहे हो यार, हर एक चीज मैं ही हाथ में दू क्या? सो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, पहले इनको थके मार के बाहर निकाले घर से। सो गाइस अभी मैंने नहा लिया है एंड देन जा रही हूँ मैं एक रील बनाने, एक रील बनाने, मेकअप वीडियो नहीं बना रही, बस एक रील बनाने, बस थोड़ी अच्छी सी। अरे अब 2-3 बन जाएगी, पर मेन तो ड्रेस ही है। मैंने ब्लैक कलर की मीसो से मंगाई है साड़ी, एंड देन मंगाया है क्रॉप टॉप, एंड देन कुछ करते हैं कुछ अच्छा सा। मैं फिलहाल कुछ कर रही हूं, लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा लगता है, कि जैसा सोचा था वैसा तो कर पाते हैं या नहीं। सो चलिए पहले फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद तो साड़ी। सो गाइज बना ली मैंने रील, अभी बच चुके हैं शाम के, जाए कॉफ़ी मैंने पहले ही पी ली थी क्योंकि मेरा ना सर दर्द हो रहा था। एक्चुअली मैं उस टाइम बनाने लगी थी, सोचा था कि अभी दोपहर में करूँ, फिर थोड़ा सा आलस आ रहा था, फिर मैं लेट गई। तो क्योंकि आजकल मॉर्निंग में थोड़ा पार्क वार्क जाना स्टार्ट किया, वर्कआउट तो मैं करती हूँ, बट थोड़ा सा ना वो मॉर्निंग में एक मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, जो मुझे बहुत आलस आता है आजकल। मतलब ये लगता है कि बच्चों को जिस दिन पेपर है उस दिन उठ जाओ, बाकी दिन तो इतना आलस आता तो लेट हो जाता है आजकल। तो मैंने कहा कि अब मॉर्निंग में ना थोड़ा जल्दी उठने की आदत हैबिट डालूँ वापस से, मतलब उठती तो मैं जल्दी हूँ लेकिन वो आलस आता रहता है। तो मैंने कहा थोड़ा पार्क वार्क जाएंगे तो थोड़ा सा वो ठीक रहेगा, तो इसलिए पार्क जाना है। तो थोड़ा सा क्या होता ना, जब एक रूटीन बनता है ना तो थोड़ा सा 2-4 दिन उस मतलब 5-7 दिन उसमें फिट होने में लगता है। सो इसलिए थोड़ा सा आलस आ रहा था खाना खाने के बाद, वो एक नहीं आती हल्की सी, नहीं तो फिर मैं लेट गई। फिर माही की मैम आ गई थी पढ़ाने, तो फिर उस टाइम क्या था क्योंकि मेरी जितनी भी फोटोज है आपको पता वो माही लेती है, कि अपने आप तो फोटोज ली नहीं जा सकती वो पता है। सो गाइज मैंने पहन ली है ये कैसे दिखाऊं आप लोगों को, एक मिनट। मैंने इस पर कोई है ना मतलब मेकअप वीडियो और कुछ नहीं बनाई, हाँ शॉर्ट वीडियो आ जाएगी मेरी इसकी। ये ब्लैक कलर की साड़ी है और मैंने मीशो से मंगाई थी, तो इन सबका बहुत जल्दी क्या बोलते हैं हॉल वीडियो आ जाएगा। बहुत दिन से सोच रही हूँ, पर वो ना एडिटिंग और ये सारे इन सब में ना बड़ा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। आज भी बड़ी मुश्किल से बनाया, मौका मिल गया था तो बना लिया था, यही चीज़ होती है। सो अब मैं जा रही हूँ सब कुछ रिमूव करने, ऑब्वियसली ये पहन के पूरे दिन कौन रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस थोड़ा सा ब्लश और वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि इंस्टा और पे रील बनानी है तो आपका फिल्टर गया। और मैं सिंपल सी बात है जो मेरी स्किन है मैं आप लोगों को सामने शेयर कर दी, क्योंकि ब्लॉग तो देखते रहते तो पता ही चल जाता है भैया, कहाँ छुपाने वाली बात है, इनमें तो कुछ छुपाने वाली बात नहीं है भैया, ये तो होता ही रहता है। सो ये चीज़ है।
तो है थोड़े थोड़े कहीं कहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मैं इसके ऑल गुड है। सो ये ब्लैक कलर की साड़ी, तो शॉर्ट वीडियो आएगी या आ गई होगी शायद, क्या पता। ये ब्लॉग तब जाए पहले शॉर्ट वीडियो आ जाए, मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या चीज पहले आएगी क्या चीज बाद में। तो आप लोग देखना जरूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बताना आप लोगों को कैसी लगती है ये ट्रांजिशन वीडियो, और कुछ ऐसे फैशन के ऊपर जो मुझे समझ आता है, मैं भी देख देख के सीख रही हूँ भैया। सो अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताना। सो अब चलते हैं। आयु को थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन उतार दिए थे, आयु से कुछ रिटर्न करवा लें, क्योंकि वो हिंदी का पेपर है तो हिंदी में मात्राओं की गलती बहुत करता है, हिंदी में मात्राओं की गलती बहुत ज्यादा होती है बच्चों से। एंड देन उसके बाद बाकी थोड़ा सा कमरा वमरा ठीक करूंगी, जो ये सारे बिखरे हैं इनको ठीक करूंगी। देन उसके बाद फिर माही को थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, पहले आयु को करवा देती हूँ फिर माही को करवाऊंगी। कंप्यूटर का है उसका, दोनों का परसों है, परसों आयु का लास्ट है, तो फिर थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी इन सब चीजों से। एंड फिर थोड़ा सा वीडियो और ब्लॉग पे फोकस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम मिल जाएगा। और तो अभी ऐसा सीन है, थोड़ा बहुत एडजस्ट आप लोग कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत जल्दी जल्दी वाला आई मेकअप किया, और मुझे ना बहुत दिन से ये साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा, कहाँ पहन के जाऊं इस टाइम, कहीं नहीं जाना होता है। और आपको पता है ऐसे घूमने जाना हो तो बहुत सिंपल से कपड़े हैं। वैसे साड़ी है बहुत जॉर्जेट में है, बट लैरियस स्टाइल में बहुत अच्छी साड़ी है। माइंड में तो ये भी आया कि मैं इसकी अनारकली सूट बनवा लूँ, या अनारकली है ना, बहुत अच्छा लगेगा। बट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अगर मैं इसका सूट बनवाऊँ तो कैसा लगे। वैसे ये लगेगा तो अच्छा, नो डाउट, मतलब फुल स्लीव्स, जो इसमें चूड़ियां होती है वो वाली, एंड डीप गला, और इसको पूरा एकदम काफी घेर वाला माइंड में तो आया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना कि क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जो साड़ियां होती है ना, वो क्या है ना, थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, तो वो दिमाग ना या तो मैं खुद बना लूंगी या बनवा दूंगी, मतलब डिपेंड ऑन कि मुझे कितना टाइम मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये चीजें हैं। सो चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से, पहले बाकी ये सब कर लूं क्योंकि नहीं पहना जाता। सो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो गाइज, अभी बज चुके हैं रात के 8:15, और मेरा आया है अमेजोन से पार्सल, जो कि मैंने 3 दिन पहले, अमेजोन वाले ना बड़े जल्दी दे देते हैं, थोड़ा मीशो वाले लेट करते हैं, मीशो वाले भी कभी कभी जल्दी दे देते हैं बट अमेजोन वाले, बट मैंने कहा चलो अभी बाद में खोली, इतना थक गई ना, थकान हो जाती, पता नहीं मुझे लगता फिजिकली नहीं मेंटली थक जाते मेंटली, क्योंकि फिर बहुत काम हो जाता है यार ना, सही में बहुत, मतलब जो ये क्या लगा हुआ, धनिया के पत्ते देखो लगी। खाना बना लिया मैंने, खाने में बनाया दाल चावल, क्योंकि कल भी नहीं बनाया था, परसों भी नहीं बनाया था, 2-3 दिन हो गए, तो मैंने कहा चलो आज दाल चावल बना ही लेते हैं। सो बनाया था, पहले क्या बोलते हैं, पहले कपड़े चेंज किए, मेकअप रिमूव किया, देन उसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी पी, उसके थोड़ी देर बाद मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट मैं आजकल डेली कर रही हूँ, कि मतलब धीरे धीरे, देखो फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती पर फिर भी थोड़ी थोड़ी जो है बॉडी मेंटेन रहे, तो मतलब वर्कआउट किया, देन उसके बाद फिर किचन में गई, फिर बनाए दाल चावल। हाँ चावल, राजमा चावल बना दो कभी, राजमा चावल कितनी बार बनाती हूँ सब, तुझे हमारे घर में राजमा चावल सिर्फ आयु को पसंद है, राजमा चावल इज बेस्ट। टूट गया तो ऐसे कूदते ही क्यों, ऐसे टूटा नहीं, मैं बॉल को ऐसे ना इनके पैर के बीच में से निकाला, पता नहीं कब इनके पैर पे लग गई, तेरा पैर टूट गया। चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंड करते हैं, ये ब्लॉग बहुत छोटा सा ही है। क्या कर रहे हो आयु, सॉरी चेयर पे लग गई थी। तुम्हें पता मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, ये ना फुटबॉल से ही खेल रहा था, और जो बाहर की बड़ी वाली टीवी थी पहले वाली से, वो इस लड़के ने खराब करी थी, उसमें बॉल मार के, नई टीवी थी, इतनी महंगी टीवी आई थी, धनिया इतनी महंगी टीवी आई थी, और इसने एक झटके में वो टीवी खराब करके रख दी थी, और फिर ये वही हरकतें कर रहे, दोबारा से फिर नई टीवी आई है, तो उसका टीवी के उसके पीछे तुम पड़े। हाँ। और अब की अगर टीवी का कुछ भी खराब हुआ ना, टीवी हमारी वजह से नहीं गई थी, हमने टीवी मारा ही, तुमने नहीं आयु ने मारा था, तो मैं तो खेल सकती हूँ। ओके नहीं, लेकिन घर में है ना फुटबॉल खेलने की जगह नहीं होती। माही बोल रहा था कि हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बेल आइकन सब दबा दे, नहीं तो अगली वीडियो नहीं आएगी। हाँ और कुछ, अगली वीडियो नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ सही में, लाइक करना पड़ेगा, वीडियो तुम एडिट करते हो, मैं करना तब पड़ेगा, ये सीन काटना मत यार। नहीं मैं ये सीन काट दूंगी, नहीं काटना नहीं। को मैंने जैसे नींद बड़ी पड़ी है, पता नहीं क्यों ऐसे ही होता, नींद होती है। सो आई है ये साड़ी, इस पार्सल में साड़ी, सो इसको मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या है, और इस पे भी कुछ ना कुछ
शॉर्ट वीडियो जरूर बनेगी, रील तो बनती बन। और आज जो रील बनाई है मैंने उसको मैं अपलोड कर दूंगी रात को, तो आप लोग जाके देख लेना। गाइस बहुत अच्छी बनी, नहीं देखे होगे क्योंकि ब्लॉग तो बाद में जाएगा, रील तो पहले ही चली जाती है। सो चलिए गाइस इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको कुछ कहना होगा, ये ब्लॉग एंड होने के बाद बोलेगा, मुझे पता है ना। हाँ बाय बाय बाय।